कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो जो सुन के लगा हो कि कैसे संभव है? बहुत बहुत एक्सपीरियंस है कि कई कई तो इसमें ऐसे हैं कि उसने उनकी जुवानी में गाड़ी के नीचे पैर नहीं रखे हैं, मतलब कोई बड़े कापड़ के व्यापारी थे ये थे, लेकिन धीरे 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 तीनों बेटों को शादी कर दिया, सबके नाम पे संपत्ति कर दी। उसके बाद में जैसे 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 जिसकी शादी होती गई सब अपनी बीवियों को लेके उड़ गए। अब माँ बाप यहाँ अकेले पड़े हैं, ना खाने के पैसे हैं, ना दवाई के पैसे हैं, ना कुछ कोई देखने वाला है, ना कोई रोने वाला है। कभी किसी के बच्चे के साथ आपका कभी कन्फ्रंटेशन हुआ, सामना हुआ, जहां आपने किसी के बच्चे को डांटना पड़ा हो कि कैसे अपने माता पिता को से छोड़ दिया? मैंने जब ये टिफिन सेवा शुरू की तो मुझे ऐसा एक ख्याल आया था कि मैं क्यों ना इन लोगों के बेटे को मिलूं और सारी बातें समझाऊं। तो एक दो लोगों को मैंने फोन किया था कि भाई ऐसी ऐसी हालत है, अगर आप अपने माँ बाप का मुझे खाली पैसा दे रहे हैं जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप आके इधर साथ में रहो, उनको खाना दो, जो मैं दे रहा हूँ वो अगर आप मुझे उनका पैसा देंगे तो मैं जो जिसका कोई नहीं है उसका कर पाऊंगा। तो उन लोगों की बात सुनी, उन लोगों का जब मैंने फोन पे टोन सुना तो मुझे वो बोल रहे कि शायद मैंने आपको फोन किया था कि आप मेरे माँ बाप को आप टिफिन दो, या मैंने लेटर लिखा था कि आपको कि मेरे माँ बाप को टिफिन, मैं नहीं दे रहा हूँ तू भी मत दे। तो ये बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रैक जो है वो सिर्फ सेवा करना है, मुझे किसी को समझाना नहीं है। मेरे जो ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जो भूखे हैं उन तक पहुंच, तो मुझे वो पहुंचना है। इन लोगों को अगर मैं थोड़ा बहुत सीखा भी दिया तो 2-3 महीना चलेगा, उसके बाद में फिर वो माँ बाप भूखे ही है, तो क्यों ना मैं ही पहुंच जाऊँ उनका बेटा बनके। तो मैं पहुंच गया हूँ उनका बेटा बनके और कर रहा हूँ। सारा सिस्टम का खर्चा, 200 टिफिन बनाना, तैयार करना, फिर उनको बंटवाना, कैसे सब निकलता है? ये हो जाता है, सुबह 6:30 बजे मेरा किचन शुरू होता है, 6:30-7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर 11 बजे तक वो काम चलता है, क्लिनिक में आता हूँ, 2 बजे तक पेशेंट को देखता हूँ, फिर वापस कल की तैयारी के लिए जुट जाता हूँ, फिर शाम को 6:30-7 बजे क्लिनिक में आता हूँ, 10:30-10 बजे तक बैठता हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ। कई सीरियलों में मैंने एक्टिंग की है तो उससे भी जो भी आमदनी होती है वो मैं इसमें डालता हूँ। कई 3-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि कहीं अटक तो मुझे फोन करना, हम लोग देख लेंगे, तो कहीं ग्रोसरी वाले का बिल है ये है, फोन करता हूँ, काम हो जाता है। मतलब ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ, लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, ईश्वर नहीं दिखाई देता है, लेकिन हालांकि वो पूरा कर देता है। 11 साल में कभी तकलीफ नहीं आई है। और बुजुर्गों के इतने आशीर्वाद आप अपने साथ ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे भी कोई काम अटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इन 11 साल में अगर मैं आपसे पूछूं, कभी एक दिन ऐसा आया कि ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये काम बंद करना पड़ेगा? नहीं, आज तक तो मुझे ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि ये नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों को मैं अच्छा आवास दूं, अच्छी जिंदगी दूं, क्योंकि वो जिस हालत में जी रहे हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो मैं 4 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ कि उनके लिए एक आवास बनाऊं। मैं ना उसको वृद्धाश्रम बोलूंगा और ना ही उसको ओल्ड एज होम बोलूंगा, मैं माँ बाप का मंदिर बोलूंगा, और कहीं नहीं है, मुझे माँ बाप का मंदिर बनाना है, इन सबको साथ में रखना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है मुझे, कि ये जो मेरे भगवान है वो भूखे हैं। तो मैं आपके जरिए मैं सबको वही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन आप जो है मुझे सहारा दीजिए, मैं इन भगवान को, मैं इन ईश्वर को, मैं इन सबकी सेवा करूंगा, मैं पूजा करूंगा माँ बाप की। 11 साल में सबसे यादगार कोई बुजुर्ग की कही हुई बात जो आपको ऐसा लगता है कि बस यही मेरी ताकत है, इसके दम पे मैं कुछ भी कर जाऊंगा? बातें तो बहुत सारी आती है, लेकिन एक जो ये मेरी जिंदगी में हुआ है कि एक कुछ 82 ईयर्स ओल्ड लेडी मेरी क्लिनिक में आई, तो मैं कैमरे में देख रहा था, तो मेरा मैनेजर है भरत भाई, उसको मैंने बोला कि ये माजी आए हैं, क्योंकि मेरे हमारे उधर कोई ओल्ड एज वाले आते हैं तो हमको यही लगता है कि भैया कोई टिफिन के लिए आए हैं। तो मैं बोला पेशेंट बहुत है, तू एक काम कर, उसका नाम लिख ले और उसको बोल कल से टिफिन आएगा। तो वो माजी ने मतलब ऐसा भरत भाई को धक्का देके अंदर आई क्लिनिक में और बोली मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आई हूँ। हालांकि उसको देखा मैंने कि मतलब बहुत सारी पुअर जैसे, मतलब वो लकड़ी भी उसके हाथ में थी तो वो पेड़ की कटी हुई डाली थी और साड़ी भी कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। उसने यहाँ आके कुछ कपड़े में कुछ बांधा था, तो वो मेरे टेबल पे उसने खोल के रख दिया कि ये सारा जो है तेरे टिफिन सेवा में यूज कर लेना। उसमें 10 पैसा भी था, 5 पैसा था, 2 पैसा था, 25 पैसा था। तो ये देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो है उसने कई सालों से ये मूड़ी जमा करके रखी थी, और ये सारी जो मरण मूड़ी है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसने जो दिया है ना, मैं ये 11 साल से कुछ नहीं कर पाया, उसने जो मुझे पूरी अपनी जिंदगी दे दी, वो अपनी पूरी मरण मूड़ी दे दी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसके पास कुछ नहीं है
खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, वो अपने जो भी बचाए हैं इतने सालों में पैसा वो सब मुझे देने आई है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, उसमें से एक रुपया खर्ची नहीं कर सकते उसने। और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है या मैं कुछ सोच में पड़ जाता हूँ, मैं वो पोटली के दर्शन कर लेता हूँ, मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है वो काम से कि बस मैं दौड़ने लगू। बस मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां